कर्मचारियों और साधनों की कमी। नागपुर स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए शहर में स्वच्छता के नाम पर लीपापोती की जा रही है। वही शहर में मनपा नासुप्र नजूर व निजी भूखंडों पर फंसी झोपड़पट्टियों में यह अभियान बहुत दूर है। यही वजह है कि नागरिक कचरे को खुले भूखंडों या फिर नाले में ठिकाने लगाने पर मजबूर है। एक तरफ राज्य सरकार झोपड़पट्टी रहवासियों को मालिक पट्टे दे रही है तो दूसरी ओर सफाई के इंतजाम से वंचित रहकर अन्याय कर रही है। इन झोपड़पट्टियों में कचरे के डब्बे तक नहीं रखे जाते। इस बात का खुलासा महापौर और पालक मंत्री के दौरे व जनसंवाद के दौरान हुआ। इससे परेशानी और बढ़ती जा रही है। उल्लेखनीय है कि शहर में कुल 424 झोपड़पट्टियां हैं। इसमें से अधिकृत 293, अनाधिकृत 137, नासुप्र की जगह पर 52, मनपा की जगह पर 15, निजी जगह पर 86, शासकीय जगह पर 70। उक्त बस्तियों से रोज अंदाजन 125 से 150 टन कचरा निकलता है जो आसपास के नालों और खुली जगह पर फेंक दिया जाता है। तो एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे न्यूज के अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।